वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि। फ्रेंड्स, ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग लेकर आए हैं। आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं भाई की इंगेजमेंट का पूरा वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे और अपनी भतीजी छनछन का बर्थडे भी कैसे सेलिब्रेट किया गया है हम पूरा आपको दिखाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, ये हमारे मौसी के बेटे हैं जिनकी इंगेजमेंट है, बहुत भराई की रस्म है इनकी आज। तो ये हमारी मौसी हैं जो कि टीका कर रही हैं और ये भाभी हैं जो कि वीडियो कॉलिंग पे किसी से बात कर रही हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ कुछ इसी तरह से रस्में होती हैं। ये लखनऊ का व्लॉग है और ये हम आपको लखनऊ की रस्म दिखा रहे हैं कि हिंदू धर्म में लखनऊ में किस तरह से रस्में निभाई जाती हैं। तो ये बेटे और बहू को टीका लगाया जा रहा है और उसके बाद मुँह भी मीठा कराया जा रहा है, जो कि हमारी मौसी जी कर रही हैं, यानी कि बेटे की मम्मी हैं जो। तो ये सारी रस्में इन्हीं को करनी रहती हैं। तो सबसे पहले ये आकर के टीका लगाती हैं और उसके बाद मिठाई खिलाती हैं वर वधु को। और उसके बाद जो कन्या पक्ष के लोग होते हैं, इसके बाद में कन्या पक्ष के लोग आते हैं। तो ये भाभी की मम्मी हैं जो कि टीका कर रही हैं, अपने दामाद जी को टीका कर रही हैं और अपनी बेटी को भी टीका करेंगी। इसी तरह से उनका भी मुंह मीठा करेंगी, दोनों लोगों का मुंह मीठा कराएंगी। और ये हमारी भाभी की बड़ी बहन है जो कि ये भी अपने बहनोई को टीका करेंगी और अपनी बहन को टीका लगाएंगी, मुंह मीठा कराएंगी। ये सारा सामान है जो कि लड़के वालों की तरफ से आया है। ये सारा सामान लड़की वालों को दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर गोद भराई की रस्म और अंगूठे की रस्म दोनों रस्में एक साथ की जाएंगी। तो कुछ सामान है जो कि इधर से आया है और कुछ सामान है जो कि उधर से भी आया है, जैसे कि रिंग वगैरह होती है तो वो लड़की की तरफ से भी आती है। तो ये रिंग आई है लड़की की तरफ से, तो अभी रिंग सेरेमनी होगी तो वो भी हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रिंग सेरेमनी हो चुकी है, एक दूसरे को अंगूठी पहना दी गई है और वरमाला भी एक दूसरे को पहना दिया गया है। तो ये देखिए, इतने ढेर सारे लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहमान नहीं हैं लेकिन अच्छे खासे मेहमान हो गए हैं, खास खास लोग ही आए थे। लेकिन हमारा बहुत बड़ा परिवार है जिसकी वजह से अगर एक एक दो दो लोग आते हैं तब भी बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं। तो सभी को नहीं बुलाया गया है क्योंकि ये छोटा सा फंक्शन था, अभी जब शादी होगी तो सभी को बुलाया जाएगा। यहाँ पर बुआ, बहनें, दीदी जो भी हैं उन्हीं को बुलाया गया है, मामा, नाना, नानी, मामी, यही सभी लोग आए हैं जो कि बिल्कुल खास में हैं। और फ्रेंड्स भी आए हुए हैं दोनों लोगों के, तो भाई के भी फ्रेंड्स हैं, भाभी के भी फ्रेंड्स हैं, तो दोनों तरफ से फ्रेंड्स आए हुए हैं। और ये भाभी हमारे थोड़ा सा डांस भी की थी। यहाँ से म्यूज़िक मैंने हटा दी है ताकि मेरे चैनल पर किसी भी तरह का इफ़ेक्ट ना पड़े दोस्तों, तो इसीलिए मैंने म्यूज़िक यहाँ से हटाई है। तो मैंने थोड़ा सा डांस आप लोगों को दिखा दिया है कि भाभी और भैया दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और भाभी की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आज इनकी रिंग सेरेमनी है और गोद भराई की रस्म भी है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, खुश हैं। तो ये इनकी गोद भराई की रस्म भी होने जा रही है, शुरू की जा रही है दोस्तों। तो देखिए, गोद भराई की रस्म का वीडियो मैंने इससे पहले भी आपको दिया था कि हमारे यहाँ कैसे गोद भराई की रस्में होती हैं। तो ये देखिए, पहले माथे पर टीका लगाया जाता है, अच्छा छिड़के जाते हैं और उसके बाद जो भी गिफ्ट देना होता है, पैसे वगैरह जो भी होते हैं वो आंचल में दिए जाते हैं। सबसे पहले तो जो भी सामान आता है लड़के वालों की तरफ से, सोने का कोई ना कोई सामान ज़रूर आता है जो कि लड़की को पहनाया जाता है। तो यहाँ पर मौसी हमारी झुमकी ले गई थी, तो झुमकी हम दोनों बहनें मिलकर पहना रहे हैं। तो भाभी के कानों में वो झुमकी जाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि भाभी ने बहुत ज़्यादा बड़ी इयररिंग नहीं पहनी है, तो कान में जो छेद होते हैं तो बहुत छोटे हैं, झुमकी नहीं जा पा रही है क्योंकि झुमकी थोड़ा सा मोटी है तो इसलिए नहीं जा रही है। तो भाभी को थोड़ा सा दिक्कत हुई है पहनने में, लेकिन आराम से झुमका इनको हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि ये झुमकी अपने हाथ से पहनी है तभी ये पहन पाई हैं, दूसरे के हाथ से नहीं हो रहा था। तो भाभी हमारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना दोस्तों, बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसी लगी ये भी मुझे बता देना। और ये मेरी छोटी सिस्टर हैं जो कि पेंच लगा रही हैं झुमके में,
तो इसी तरह से हमारे यहाँ रस्में होती हैं, जितनी भी महिलाएं जाती हैं वो सभी एक एक करके कन्या पक्ष को टीका करेंगी, कन्या को टीका लगाएंगी, अच्छा छिड़केंगी, फूल छिड़केंगी और उसके बाद आंचल में पैसे, फल, मेवा जो भी सामग्री होगी वो सब आंचल में डाल दी जाती है। इसी तरह से ये गोद भराई की रस्म की जाती है। ये हमारी मौसी हैं जो कि जो जो सामान लाई हैं सोने चांदी का वो सारा निकाल कर दे रही हैं। पायल लाई थी ये, झुमकी लाई हैं, कपड़े लाई थी, बहुत सारा सामान है जो कि ये लेकर के आई थी। तो ये सब हम लोग यहीं लखनऊ में गेस्ट हाउस में ही प्रोग्राम किया गया था, तो वहीं पर सब लोग आए हुए हैं और यहीं पर गोद भराई और रिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया है। सभी ने बहुत इंजॉय किया था और इसी के साथ हम आपको दिखाएंगे हमारी छन छन बिटिया का बर्थडे, क्योंकि छन छन का बर्थडे तो पहले मना लिया गया था लेकिन उसके बाद में भैया ने पार्टी दी थी 20 दिनों के बाद, तो वो पार्टी किस तरह से हम लोगों ने इंजॉय की है आप सभी लोग देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ फल ले लिए हैं, मेवे कुछ लिए हुए हैं और पैसे जो कि भाभी के आंचल में मुझे देना है। इसी तरह से सारी महिलाएं आएंगी एक एक करके आंचल में ऐसे ही डालती जाएंगी। और ये पूरा जो डेकोरेशन है हम थोड़ा सा आपको वो भी दिखा दे रहे हैं, तो ये डेकोरेशन हमारे छन छन के बर्थडे का है। छन छन का भी बर्थडे इनके बर्थडे के 10-12 दिनों के बाद किया गया था, क्योंकि जब इनका जन्मदिन था उस टाइम पितर पक्ष चल रहे थे तो छन छन की नानी नाना नहीं आए थे, तो इसी वजह से भैया ने ये पार्टी रखी है ताकि सब लोग आ सकें। तो ये पार्टी नवरात में रखी गई है, तो ये नवरात का वीडियो है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे बैलून्स लगे हुए हैं और ये हमारी छोटी बहन की बेटी है, ये हमारे चाचा जी हैं जो कि बिटिया को गोद में लिए हुए हैं और ये सारा डेकोरेशन हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर पार्टी नहीं शुरू हुई है, हम थोड़ा पहले आ गए हैं, अभी मेहमान पूरे नहीं आए हैं, धीरे धीरे आने ही वाले हैं क्योंकि अभी छन छन के नानी नाना नहीं आए हैं, ननिहाल पक्ष से अभी कोई नहीं आया है। जब तक ननिहाल पक्ष से कोई नहीं आएगा तब तक केक नहीं कटेगा, तो सब लोग वेट कर रहे हैं उन लोगों के आने का, बस वो आने ही वाले हैं। और ये भैया भाभी हैं हमारे और ये देखिए छन छन हमारी हैं और ये हमारे आयुष्मान हैं, हस्बैंड हमारे हैं, सब लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं क्योंकि अभी केक नहीं कटा है। तो ये बहन है जो कि डांस कर रही है बिटिया के साथ, ये बेटा है बहन का, तो सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का भी म्यूज़िक मैंने स्किप कर दिया है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम किसी का म्यूज़िक नहीं लगा सकते, तो इसलिए मैंने म्यूज़िक स्किप कर दिया है। और इधर केक कटने की तैयारी हो चुकी है, तो छन छन बिटिया खड़ी हो गई हैं और ये हमारी मम्मी हैं जो कि छन छन की आरती उतार रही हैं, भाभी खड़ी हुई हैं, भाई खड़े हुए हैं बगल में, तो ये देखिए इनकी आरती उतारी जा रही है। छन छन को बहुत जल्दी हो रही है केक काटने की, आरती लेने की, क्योंकि इनको बहुत शौक है पूजा पाठ का और ये चाह रही हैं हम भी थाली ले लें और हम भी आरती उतारें। बिल्कुल भी ये डर नहीं रही हैं, बहुत खुश हैं देख कर कि इनकी पूजा हो रही है। और इधर सब बहनें डांस कर रही हैं 52 गज का दामन। तो यहाँ का भी वीडियो मैंने सॉन्ग स्किप कर दिया है इस जगह का भी दोस्तों, बस बात वही है कि म्यूज़िक नहीं लगा सकते। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।